एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मेरा नाम लीना है और मैं अपने डेली रूटीन ब्लॉग्स यहाँ शेयर करती हूँ, अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े से भी पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी दिवाली आने ही वाली है और ये ब्लॉग मेरा अभी दिवाली से पहले का ही हो गया समझ लीजिए। हाँ, बहुत टाइम से मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, वो आप सबको पता ही है। तो बस अभी सुबह के काम जो है स्टार्ट कर चुकी हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ पालक की सब्ज़ी। और ये आप देख रहे हैं जो ये है मेथी, मैंने मेथी और पालक लिया था। क्या हुआ था कि कल मेरे ऑफिस के बाहर ना एक रेडी वाला जा रहा था और उसके पास जो है अच्छी खासी पालक थी, अच्छी पालक थी और दो तीन गट्ठी ही पड़ी हुई थी उसके पास लास्ट। तो उसने बोला कि ये एक मेथी की है गट्ठी और दो पालक की हैं, आप ये ले लीजिए और लास्ट ही है, जो भी हो दे देना। तो मैंने ले ली और मेरे जो वहाँ पे ऑफिस में है मेरे साथ जो काम करते हैं एक, उन्होंने इसको अच्छे से साफ़ भी कर दिया और मेरा टाइम भी सेव हो गया। और यहाँ पे जो है मैंने टमाटर को पीस लिया था क्योंकि मैं सब्ज़ी में जो है प्याज नहीं डाल रही हूँ आजकल, और टमाटर को ही मैं पीस के डालूँगी, इसके अंदर हरी मिर्च का यूज़ करूँगी और यहाँ पे आ जाऊँगी सब्ज़ी बनाने के लिए। इसके अंदर जो है रिफ़ाइंड ऑयल डाल दूँगी कुकर के अंदर और इसमें जीरा, हींग और एक तेज़पत्ता डालूँगी। हींग मैं ज़रूरी डालती हूँ आजकल सब्ज़ी में, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है टमाटर ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसे भून लूँगी। बेसिक मसाले ऐड करने के बाद मैं इसमें जो है पालक ऐड करूँगी, दाल ऐड करूँगी। पहले तो जो है बेसिक मसाले नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर, बस ये चार चीज़ें ही मैंने ऐड करी थी। और जो दाल है अच्छे से वॉश करके दाल को मैं इसके अंदर जो है इसको 5 मिनट डाल के अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद इसके अंदर जो है मैं कटी हुई पालक ऐड कर दूँगी। पालक को भी अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, 2 या 3 पानी से साफ़ करो तो करो, नहीं तो बनता नहीं, उसमें मिट्टी रह ही जाती है। और यहाँ पे मैं इसको जो है ज़रूरत के अनुसार पानी डाला है और यहाँ पे साथ के साथ मैं बना लूँगी। बहुत ही टेस्टी ये पराठे बनते हैं, आप इससे पराठे, पूड़ी, रोटी कुछ भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या खाना है, बट इसकी तीनों ही चीज़ें बहुत टेस्टी बनती है, रोटी, पराठे और पूड़ी, तीनों चीज़ें, पराठे नहीं पराठे, सॉरी। तो इसके अंदर जो है मैंने आटा ऐड किया था गेहूं का और बेसन ऐड करा था। उसके बाद नमक, मिर्च और गरम मसाला, हरी मिर्च और पाल जो मेथी होती है ना, सॉरी, कटी हुई मेथी मैंने ऐड कर दी थी, आप पालक भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें देसी घी ऐड कर लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। बस आ जाऊंगी यहाँ पे जो पराठे बनाने के लिए, क्योंकि मीघा को जाना होता है और मेरे को तो थोड़ा सा टाइम होता है क्योंकि मुझे सारा काम करके जाना होता है। तो अभी मीघा के लिए सबसे पहला जो है नाश्ता मैं बना दूंगी और कुणाल का लंच भी पैक करके देना है क्योंकि वो भी स्कूल चला गया और सुबह सुबह ना उठ के बनाया नहीं जाता है क्योंकि मेरे पास सुबह इतने काम हो जाते हैं ना, मतलब आप तो जानते ही हैं मेरा थोड़ा सा काम अभी अलग से ही रूटीन चल रहा है। और यहाँ पे जो है मेघा का लंच भी पैक कर लूँगी और देखिए कितनी अच्छी टेस्टी सी ये सब्ज़ी बन गई थी, एक बार ज़रूर ट्राई करना है ये वाली दाल के साथ जो पालक बना के ना, बहुत ही टेस्टी बनती है, मेरी तो फेवरेट है। और बाहर से आपको काफ़ी आवाज़ें आ रही होंगी, इग्नोर करिएगा, बहुत शोर आ रहा होगा पीछे से बच्चों का क्योंकि बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं और अभी तो दिवाली का सीज़न चल रहा है तो वैसे भी बच्चे कुछ ज़्यादा ही अपने एन्जॉयमेंट में रहते हैं और स्कूलों की छुट्टियाँ भी मिल जाती है ना। तो यहाँ पे लंच जो है मैं पैक कर रही थी। और बताइए आप लोगों ने क्या तैयारी कर ली दिवाली की, बताइएगा ज़रूर। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।